सर हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वहां पे आपने जो दिखाया ना, जो सबटाइटल है हाँ SVR2 जो स्लैश दिया, वो एक बार बोलना सर, वो मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई वहां पे। हाँ ये जो स्लैश मैंने दिया है हाँ 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 एकदम। तो और जो MK हाँ सिन्हा के बाद जो आपने कोलन दिया है हाँ तो वो, वो SCR2 का जो पंक्चुएशन मार्क है वही दिया है हमने। SCR2 रूल्स को फॉलो अच्छा यहाँ करते चले जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा कि ये जो सबटाइटल का जो पंक्चुएशन मार्क कॉलन है तो उसके पहले टाइटल के बाद मैंने दे दिया, और ये ऑथर का पंक्चुएशन मार्क स्लैश है तो उसके पहले मैंने सबटाइटल। अगर एक चीज और ध्यान रखेंगे, सब लोगों को एडमिट होने दीजिए, एडमिट होने बता दे यहाँ पर, और एक टेक्निकल चीजें हैं जिसको बता देते हैं। मान लिया सबटाइटल नहीं होगा तो हाँ सब लोग एडमिट हो जाएं, आपके सवाल जो हैं क्वेश्चन जो हैं तो सब लोग आंसर सुन लें तो बेहतर ना है। ओके ओके सर, ठीक है। सर कट गया था क्या सर? बताया आप लोगों को, तो बताया है 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक कटता है ये, फिर से ज्वाइन अच्छा होना है ना। दो सेशन अगर चलेगा, कुछ में दो सेशन चलता है, दो कुछ में एक ही सेशन, जैसे सीरियल, सीरियल में बहुत बड़ा नहीं है, परसों जो होगा तो एक ही सेशन होगा, तो जहां पर जरूरत है दो सेशन की हम लोग दो सेशन भी करते हैं 1.5 घंटे। सर, 2 सेशन यहाँ क्यों बनाए सर? करेंगे मतलब वो जूम 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक कट जाता है। नियम है, जूम का नियम है सर क्या सर? हाँ जूम फ्री का फ्री जो होता है ना वो नियम है, वो ऑटोमेटिक कटेगा। जूम में बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग आपका जूम ही कर रहा है, आपको जो भेजा जा रहा है वो हम अलग से नहीं कर रहे हैं, जूम खुद कर रहा है। हाँ आप में से एक का क्वेश्चन ये था जिसका आंसर मैं दे देता हूं कि ये जो स्लैश क्यों दिया आपने, और यहाँ सब टाइटल क्यों दिया, और यहां पर सेमी कॉलन क्यों दिया, ये सवाल है आपका। इसलिए दिया कि ये जो सब टाइटल SCR2 भी जब हम कार्ड कैटलॉग बनाते हैं तो उसके पहले सबटाइटल का पंक्चुएशन मार्क उसके पहले देते, पब्लिशर का पंक्चुएशन मार्क पब्लिशर से पहले देते हैं, उसी तरह से पैरेलल टाइटल का पंक्चुएशन मार्क उससे पहले पैरेलल का देते हैं, उसी तरह से ये सारे पंक्चुएशन मार्क जो है पहले देते हैं। तो ये सब टाइटल जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल तो इसके पहले देंगे टाइटल के बाद, तो ये कॉलन का जो ये देख रहे हैं कॉलन, तो कॉलन आपका सब टाइटल का पंक्चुएशन मार्क है तो उसको मैंने दिया, और ये स्लैश इसलिए दिया ताकि ऑथर का स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पंक्चुएशन मार्क है, जिसको SOR1 भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, और दूसरा जो ऑथर के अलावा एडिटर ट्रांसलेटर इलस्ट्रेटर कंपाइलर ये कोलैबोरेटर कहलाता है, और इसे हम स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड भी कहते हैं। तो फर्स्ट का जो SOR फर्स्ट का जो पंक्चुएशन मार्क SCR2 स्लैश है इसीलिए हमने वहां दिया, और यहां पर एडिटर जो है SOR2 है इसीलिए उसका पंक्चुएशन मार्क सेमी कॉलन है इसीलिए हमने दिया। अब ये मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि ये सबटाइटल नहीं होता, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता तो ये पंक्चुएशन मार्क यहां चला आता, टाइटल के बाद चला आता, याद रखेंगे ये पंक्चुएशन मार्क टाइटल के बाद चला आता, चूंकि सब टाइटल नहीं है इसलिए सब टाइटल भी नहीं दिया गया बी में, 245B में जो सब फील्ड में नहीं दिया गया, और उसके पंक्चुएशन मार्क को भी योजक चिन्ह जिसे कहते हैं हिंदी में उसको भी हटा दिया गया। तो अब
ये हम दे देते हैं और यहाँ भी सबटाइटल लिख देते हैं। समझ गए होंगे सर, सर अगर सर अगर नियमों पर पब्लिशर और प्लेस ऑफ पब्लिशर ना हो तो फिर सर वो बताएंगे आगे, सेकंड क्लास इसीलिए रखा है ये। अब तो पूरा ISER 2 तो हम नहीं पढ़ा सकते, मगर मोटी मोटी चीजें जो मेन मेन चीजें हम बता देंगे आपको। ओके, जैसे कि एक सवाल किया इन्होंने कि प्लेस और पब्लिशर, पब्लिशर ना हो, SLSN ATAL सब बताएंगे हम सेकंड डे में। ठीक है, ये सवाल आप अपने रखिएगा कैसे इस पर बनाया जाता है मार्क 21 पर, ये बताएंगे। हाँ जी बोलिए। सबटाइटल सर क्यों दिया जाता है? सबटाइटल किताब में है इसलिए दिया जाता है, किताब में नहीं रहेगा नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रखें अपने, क्वेश्चन लास्ट में आप पूछेंगे, इसको कंप्लीट करने दें। ठीक है, अब ये देखिए, ये सारी चीजें तो हो गई, अब पेजिंग दिया। अब ये देखिए बी, बी है इलस्ट्रेशन के लिए, अदर फिजिकल डिटेल्स, यानी कि आप जो पेज देते हैं और इलस्ट्रेशन किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर अगर इलस्ट्रेशन है, कलर इलस्ट्रेशन है या ब्लैक एंड व्हाइट है, इलस्ट्रेशन मीन्स पेंटिंग है, मैप्स है बना हुआ, या फिर फोटोज है, तो उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकता है और कलर में भी हो सकता है, तो यहां पर हम इल लिखते हैं, इल। अगर कलर इलस्ट्रेशन होगा तो col.ISER लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब डायमेंशन, साइज, किताब की लंबाई मान लिया 21 सेंटीमीटर है तो 21 CM करके डॉट दे देंगे। अब ये चौथी चीज है एकॉम्पेनिंग मटेरियल, ये क्या है? ये आमतौर पर ASER 2 जो पढ़ाया भी जाता है तो उसमें बहुत सारे नहीं बताए जाते। आपके किताब में अगर अलग से CD, DVD, पेन ड्राइव या फिर फोल्ड करके मैप, एक मैप ऐसा है कि उसके अंदर छापा हुआ है, यानी कि मैप्स उसके अंदर बना हुआ है किताब के अंदर कंटेंट्स में, और एक मैप है कि आपको वर्ल्ड का मैप है, उसको फोल्ड करके अलग से आपको एज ए गिफ्ट, CD अलग से, DVD अलग से, उसको हम एकॉम्पेनिंग मटेरियल कहते हैं। मान लीजिए 1 CD दे दिया साथ में, आजकल किताबों में आ रहा है बहुत ज्यादा, किताब के साथ आप प्रिंटेड खरीदने जाएंगे तो आपको CD भी दे देता है। अब यहां हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करेंगे, हम पेज के पास गए, स्पेस दिया। अब इलस्ट्रेशन का पंक्चुएशन मार्क कॉलन है, तो यहां पर उससे पहले वाले इसमें कॉलम में दे दिया हमने कॉलन। अब ये 21 सेंटीमीटर है तो उससे पहले इलस्ट्रेशन के पहले हमने क्या किया, सेमी कॉलन दे दिया, क्योंकि सेमी कॉलन साइज का है पंक्चुएशन मार्क। उसके बाद यहां पर एकॉम्पेनिंग मटेरियल अगर है तो स्पेस दिया और इसका प्लस, यानी कि प्लस है इसका पंक्चुएशन मार्क, और यहां पर फिर डॉट दे दिया, ये समाप्त हो गया। अगर उदाहरण के लिए इलस्ट्रेशन नहीं होता तो फिर यहां पर कॉलन के स्थान पर सेमी कॉलन चला जाता, इसका पंक्चुएशन मार्क, यानी के जो है उससे पहले दिया जाता है, तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क हमने दे दिए। अब 490 सीरीज के लिए है, अगर किताब सीरीज वाली किताब है, अगर कोई प्रकाशक पब्लिशर सीरीज आपका चला रहा है तो आप उस सीरीज का नाम लिख सकते हैं, जैसे पेंगुइन हिस्ट्री सीरीज, प्रभात रिलीजियस सीरीज, लाइब्रेरी साइंस सीरीज, इत्यादि सीरीज का आपने बनाया होगा, जो साइज के बाद छोटी ब्रैकेट में डैश दे करके दिया जाता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 50 क्या बताएं सर, बताइए सीरीज स्टेटमेंट, उसको अभी रुकिए, हम क्वेश्चन सेशन में बताएंगे, है ना, इसको पहले कंप्लीट करने दीजिए मुझे, क्योंकि ये बाबाबता 1 साल का कोर्स है ASER 2, है ना, तो ASER 2 जानना जरूरी है इसके लिए, ASER 2 नहीं जानेंगे तो मार्क यूज नहीं कर सकते। अब 500, हम जब कैटलॉग कार्ड बनाते हैं मैनुअली तो हम नोट्स सब एक ही में लिख देते हैं, मगर यहाँ डिवीजन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जनरल नोट्स, जैसे मान लें कि किताब में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट, 2-3 टेक्स्ट हैं, 2-3 लैंग्वेजेस हैं, तो उसको हम नोट्स में दे सकते हैं, या किताबें 2-3 पेज फटी हुई हैं तो वो डैमेज हैं, इत्यादि बहुत सारे नोट्स, जनरल नोट्स हम उसमें देंगे। मगर ये बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स नोट्स है, यानी किताब के लास्ट में आप कुछ बिब्लियोग्राफी 2-4 पेज दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, इंडेक्स भी रहता है लास्ट में किताब के, देखेंगे आप, तो हम इस तरह से इंक्लूड्स
bibliographical references एंड इंडेक्स अपने लैंग्वेज में, कोई इसका लैंग्वेज नहीं है कि कोई खास लैंग्वेज है, तो बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस तो ये हम दे सकते हैं। तो नोट्स हम यहाँ पर बांट दिया है, नोट्स को के टैग्स को, नोट्स के फील्ड को यहाँ डिवीजन कर दिया है, जनरल नोट्स, बिब्लियोग्राफी अगर इंडेक्स है तो 504 में आप लिखेंगे ए में, अगर कंटेंट नोट्स है, कंटेंट नोट्स कहते हैं, कल मैं इसको बताऊंगा कंटेंट नोट्स को, वॉल्यूम वाली जो किताबें हैं वॉल्यूम की, जैसे आपका डेविड स्मिल क्लासिफिकेशन 4 volume में 10 volume में इत्यादि, तो इस पर कल होगा, ये अभी नहीं बताएंगे। अब ये देखिए 520 जो मैनुअल में नहीं था, समरी एब्स्ट्रैक्ट, आप किताबों के को पढ़ करके, कुछ पेजेस को कंटेंट्स को पढ़ करके आप क्या करेंगे कि आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को लिखेंगे, उसके एब्स्ट्रैक्ट को कुछ लाइन में, ताकि रीडर हमारा जो है वो उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर ये समझ जाए कि किताब के अंदर क्या है। एक रिसर्चर के लिए, एक शोधार्थी के लिए, शोधकर्ता के लिए, अनुसंधान करने वालों के लिए, ये किताबों में टाइम वेस्ट, खोजने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, किताब के अंदर के कंटेंट्स को हम एक लाइब्रेरी में काम करने वाले कर्मचारी उसको पढ़कर उसके एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट जिसको समरी भी कहते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये सर्चिंग इंफॉर्मेशन जो रिट्राइव करेगा, कैटलॉग देखेगा, वो पढ़ करके समझ जाएगा। इसलिए इसको भी करना चाहिए, उसमें टाइम कंज्यूम होता है मगर करना चाहिए। अब आगे देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी तो चीजें तो आसान थी, मगर अब इसको सब्जेक्ट को समझ लेना है। हम ये कैटलॉग में जो ट्रेसिंग में देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेसिंग में देते हैं नीचे आकर के, ये आपने कैटलॉग बनाया होगा, जैसे सब्जेक्ट है तो जैसे मैंने अभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दिया था, तो सब्जेक्ट वन करके इंडिया डैश डैश हिस्ट्री डैश पीरियड 1526 से मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से सब्जेक्ट जो देते हैं, तो ये सब्जेक्ट कंट्री, जब किसी देश की हिस्ट्री, किसी स्टेट की हिस्ट्री, किसी शहर की हिस्ट्री, या वो सब्जेक्ट जो किसी जगह के नाम से शुरू हो रहा है, वैसा सब्जेक्ट जो किसी जगह के नाम से शुरू हो रहा है, उसे हम ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल नेम सब्जेक्ट कहते हैं। जो सब्जेक्ट, जो विषय, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस किताब का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, ये साइन जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में दिया हुआ है, कि पहले उस कंट्री का नाम देंगे, फिर डैश देंगे, फिर हिस्ट्री देंगे। जैसे कहा जाए हिस्ट्री ऑफ अकबर, हिस्ट्री ऑफ अशोका, तो ऐसा नहीं अशोका अकबर दे देंगे, अकबर के पीरियड को लास्ट में देंगे, अशोक के पीरियड को लास्ट में देंगे, तो उस कंट्री, उस जगह का नाम लिखेंगे, डैश देंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, डैश देंगे। तो जो विषय किसी जगह के नाम से शुरू होता है, उसे ज्योग्राफिकल नेम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये यहां पर देखिए 600 भी है, 630 भी है, 650 भी है, और 651 है। तो इन तीनों को छोड़कर, ये तीनों भी मैं बताऊंगा मगर पहले इसको, इन तीनों को छोड़कर हम यहां पर आएंगे, तो ए एक्स वाई तीन है, तो ए में हम इंडिया लिखेंगे, एक्स में हिस्ट्री लिखेंगे, और वाई पीरियड के लिए है 1526 लिखेंगे और डैश दे देंगे। ये सब्जेक्ट इस तरह से दिया जाएगा, याद रखेंगे, ज्योग्राफिकल नेम सब्जेक्ट को समझ जाएं। जो सब्जेक्ट, जो विषय किसी जगह के नाम से शुरू होगा, उसे हम 6510 में लिखेंगे। अब ऊपर आ जाते हैं, ये भी समझा देते हैं 600 को। 600 में वैसे विषय दिए जाते हैं जो किसी आदमी के नाम से, किसी आदमी के नाम से, किसी मनुष्य के नाम से शुरू होता है। तो सब्जेक्ट भी क्या मनुष्य के नाम से शुरू होता है? हाँ होता है, जैसे बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अगर किताब का नाम रहता या वो किताब किसी आदमी की बायोग्राफी रहती, तो सब्जेक्ट हम उस आदमी के नाम से देते, सरनेम लिखते,
कॉमा लिखते, स्पेस देते और जवाहरलाल लिखते, उसके बाद डी में उसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देते, अगर क्यू में जो 100 में आपको बताया हमने, क्यू में अगर शॉर्ट में नाम कोई रहता तो उसका फुल फॉर्म लिखते, और एक्स में बायोग्राफी लिखते। सिर्फ बायोग्राफी ही नहीं, जैसे गांधी जी व्यूज ऑफ गांधी जी के व्यूज पॉलिटिक्स पर क्या थे, तो यहां पर गांधी लिखाएगा, व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एक्स एक्स में लिखाएगा। तो बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो किसी आदमी के नाम से शुरू होते हैं, जो 6600 में जाता है, इसको हम पर्सनल नेम सब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम पर्सनल, ये नेट वगैरह में भी क्वेश्चन में आता है, टैक्स वगैरह, इसको याद रखिएगा, वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये है, ऑप्शन दिया रहेगा 4, तो ये किसके लिए है, तो ये चीजें आएंगी। तो 600 में पर्सनल नेम सब्जेक्ट गौरव सिंह, एंड्रॉइड म्यूट करें अपने आप को, म्यूट करें अपने आप, तो नहीं हो जाता ना, अनम्यूट। 630 में वैसे विषय सेक्रेट बुक्स के, हेलो अच्छा सर, सेक्रेट बुक्स बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, हम मौका देंगे। 630 में सेक्रेट धार्मिक ग्रंथ, जैसे महाभारत, रामायण या फिर कुरान इत्यादि, जिसके भी जो धार्मिक ग्रंथ है उसके जब विषय डाल रहे हैं तो 630 में हम देंगे। 650 में टॉपिकल सब्जेक्ट पड़ता है, टॉपिकल टॉप्स, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये टॉपिकल सब्जेक्ट हो गए, तो ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, ये सारे प्रैक्टिस की चीज है। अब देखिए इधर, ये सब्जेक्ट मैंने बता दिया। अब 700 ये रिपीटेबल फील्ड, ये सारे रिपीटेबल फील्ड होते हैं, ये आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए यहां पर देख रहे हैं ये, और ये कट देख रहे हैं, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये रिपीट कर जाएगा वो फील्ड, फिर ये सब जगह रिपीटेबल फील्ड, ये जो आप मार्क फ्रेम जो बनाया हुआ है वो उसमें रिपीटेबल बनाया हुआ है, अगर आप रिपीटेबल नहीं बनाएंगे तो वो भी होगा, ये सब कस्टमाइज करके हम पहले से रखते हैं। अब ये 700 का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहला ऑथर से हमने एंट्री, मेन एंट्री तो बना दी यहां पर, ये देखिए 100 में देखे, मगर यहां पर एडिटर से भी एडेड एंट्री मुझे बनानी है, सिंह एसके से, या दूसरे ऑथर से, या तीसरे ऑथर से, या ट्रांसलेटर से, या कंपाइलर से। तो अभी फिलहाल मैंने इसके सिंह दिया था, तो सिंह कॉमा इसके से 700 में हम बनाएंगे, 700 में, तो सिंह कॉमा स्पेस एस डॉट स्पेस के डॉट। तो यहां पर रिलेटर है, ये रिलेटर मींस ये होता है कि ये क्या है, तो ये एडिटर है, तो यहां पर ईडी डॉट लिख देंगे, तो ये भी रिपीटेबल फील्ड है। देखिए रिपीट करके दिखाते हैं, यहां पर माउस देखेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए, फिर अगर ट्रांसलेटर होता तो यहां पर ट्रांसलेटर का नाम सरनेम के साथ देते और यहां पर रिलेटर में टीआर लिख देते। अगर यहां पर दूसरा ऑथर होता तो दूसरे ऑथर का नाम सरनेम कॉमा फोर नेम लिखते और यहां पर जेटी डॉट AUTH लिख देते, ज्वाइंट ऑथर आप यहां पर लिख देते। तो फिलहाल जो है सिंह कॉमा एस डॉट के डॉट हो गया, ये मैंने लिख दिया। तो ये सारे फील्ड हमने भर दिए, फिल कर दिए और उसके पंक्चुएशन मार्क और उस रूल को ध्यान में रखा कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है SER2 के पंक्चुएशन मार्क तथा उसके नियम को भी ध्यान में रखा, रूल्स को, और लिखा। अब ये देखिए 856 है जिसको सुजीत सर बताएंगे आपको। अगर इस किताब की PDF, अगर इस किताब की PDF फॉर्म में पूरी पूरी किताब ई-बुक आपको मौजूद है तो इस पर आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि इसके कैटलॉग को भी देख सकता है आदमी, जो भी मनुष्य है, जो भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने वाला है वो देख भी सकता, तथा इसके जरिए से 856 टैग के जरिए जब हम अपलोड करते हैं तो वो पूरी किताब ईबुक अपलोड हो जाता है और इसे पढ़ भी सकता है रीडर कंप्यूटर पर या
कहीं भी रख करके वैन पर, लैन पर, मैन पर, किसी भी नेटवर्क के जरिए से वे एक्सेस किताबों को भी कर सकता है। अभी तक क्या था कि कैटलॉग को सिर्फ एक्सेस कर रहा था, मगर अब किताबों को भी एक्सेस करेगा। यहां पर जब कैटलॉग हम बना रहे हैं तो बुक्स बाय डिफॉल्ट है, अगर जर्नल का बना रहे हैं तो जर्नल को सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये बुक्स है। अब ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद ये सेव बटन देख रहे हैं, सेव बटन पर क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये अच्छा कुछ फील्ड छूट गया, देखिए सेव बटन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक नेक्स्ट पेज में हम चले जाएंगे जहां पर मुझे एक्सेशन नंबर इत्यादि देना होगा, एक्सेशन नंबर इत्यादि यहां पर देना होगा। एक मिनट, सर्वर में प्रॉब्लम आ गया, एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। सर्वर में प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि सर्वर से ही जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, बस लास्ट ही है। ये देखिए सर्वर बंद हो गया था किसी वजह से, तो ये नेक्स्ट पेज आपको आ गया। अब नेक्स्ट पेज आ गया तो देखिए यहां पर स्टेटस भी चेंज करने के लिए, तो यहां पर अभी मुझे स्टेटस चेंज नहीं करना, फ्यूचर में कभी स्टेटस चेंज करना चाहते जैसे आपने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ दे सकते हैं, तो ये किताबें विड्रॉ हो जाएंगी, इसको हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे, फ्यूचर के लिए है। तो लॉस्ट, अगर आपकी किताबें लॉस्ट हो गई, लॉन्ग ओवर ड्यू है, लॉस्ट एंड पेड है, यानी कि लॉस्ट किसी रीडर ने कर दिया उसको पेमेंट कर दिया, मिसिंग है, ये बाद के लिए है। ये सब शेल्विंग लोकेशन जो मैंने कल भी बताया था कि कहाँ होगा, तो जनरल स्टैक पर होगा। अगर कोई किताबें चिल्ड्रन सेक्शन आपके यहाँ बनी हुई है तो चिल्ड्रन सेक्शन एरिया में, अगर आपकी ऑफिस के लिए किताबें आई हैं तो स्टाफ ऑफिस वगैरह आप कर सकते हैं। तो आमतौर पर तो वो तो एक दो चार होती हैं, वो बहुत कम होती, जनरल स्टैक ही करेंगे। और ये डेट एक्वायर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फुल कॉल नंबर, यहाँ पर आपका क्लास नंबर आ गया। अब उसका जो सिन्हा था तो स्पेस देकर के ISIN आप बुक नंबर भी यहाँ पर लिख देंगे। अब ये एक्सेशन नंबर देंगे आप, जैसे मैं 1212 देता हूँ एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर देने के बाद क्या करेंगे, एड आइटम पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखेंगे एड एंड डुप्लीकेट है और एड मल्टीपल कॉपीज है, यानी कि इसकी कई कॉपी है तो एड मल्टीपल कॉपीज पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको बार बार एक्सेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिलहाल एक का करते हैं तो एड आइटम पर क्लिक करते हैं। तो एड आइटम पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ऊपर आ गया और ये जो है आइटम ये हो गया। अगर अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे एक और कॉपी है तो 1213 है मान लिया, तो फिर ऐड आइटम करेंगे तो ये दूसरी कॉपी ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसके अगर 10 कॉपी आई है तो एक बार में भी आप इसके जरिए से ऐड मल्टीपल या डुप्लीकेट कॉपी इसके जरिए से भी आप यहां पर कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। या देखिए यहां पर एक ऐड हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एड मल्टीपल कॉपी को यहां पर कितनी कॉपी है, मान लीजिए कि 3 कॉपी है तो 3 कॉपी दे देंगे, ऐड कर देंगे यहां पर, तो वो 3 कॉपी और ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है आप कैटलॉगिंग मॉड्यूल का यूज करते हैं। अब रहा आपको कैटलॉगिंग का के एक से ज्यादा ऑथर है या ऑथर नहीं है,
या प्लेस नहीं है या पब्लिशर नहीं है, तो ये सारी चीजें या वॉल्यूम की किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम की किताबें कल बताएंगे। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कैटलॉगिंग से रिलेटेड। सर एक चीज ये पूछना है कि जो ये मार्क का सर जो नंबर दिए हैं, ये याद करना पड़ेगा सर? सर याद करना थोड़ी ही पड़ता है, याद हो जाता है ऑटोमेटिक, करते करते याद हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन सर आपने जब ऐड किया था सर, ऐड करने के बाद एसेशन नंबर अपने आप सर आगे इंक्लूड नहीं किया उसने? हाँ, वो हमने नहीं दिया था, पहले एक एक्सेशन नंबर दे देना पड़ता है, तो वो सर ये आपने आइटम जो ऐड करी है, हाँ, उसके अगर ये बाय मिस्टेक ऐड हो गई है, अगर हमें ये हटाना है तो हाँ, वो एक्शन में है, एक्शन में है, एक्शन में जाकर के आप डिलीट कर सकते हैं एडवांस सर्च में। नहीं बट सर वो डाटा मैं रखना चाहता हूँ, बट मेरे को डाटा नहीं में चाहिए था सर। हाउ टू ऐड मोर देन वन सब्जेक्ट? हाँ, वो वन सब्जेक्ट से ज्यादा अभी बता देते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको ये भी करने का है सब्जेक्ट जो, ये मेरा सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, तो कल मैं बता दूंगा, ये एडिट रिकॉर्ड करेंगे और आपको कल बताएंगे कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक किताब का एक से अधिक सब्जेक्ट भी होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसको एग्जाम्पल कल आप पूछ लेंगे इसको कि सब्जेक्ट से ज्यादा ये सारी चीजें, तो जैसे कि लाइब्रेरी, एक कैटलॉगिंग की किताब आई आपके पास, कैटलॉगिंग ACR2 की, तो उसमें एक सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस भी होगा और एक कैटलॉगिंग भी होगा। क्लासिफिकेशन की किताब आई या एक साइंस की किताब आई, तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, तो तीनों सब्जेक्ट बनाने का रिपीटेबल फील्ड है उसमें, 600 से लेकर 651 तक रिपीटेबल फील्ड है, फिर उसको रिपीट करेंगे और फिर दूसरा सब्जेक्ट आप दे देंगे तो वो चीजें बन जाएगी। क्योंकि सर्वर फिर प्रॉब्लम कर रहा है क्वेश्चन। जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए ना। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना, पूछिए। आप तो माइनस ना होगा सर? कहाँ? जहाँ साइज लिखे हैं 23 सेंटीमीटर, सेमी कॉलन उसके पहले, सेमी कॉलन होगा उसके बाद, पहले पहले साइज के बाद, अगर सीरीज देंगे तब डैश लिख करके फिर जो है वो छोटी ब्रैकेट देते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। ये क्या है सर, 500, 4, 500, 5, 520 सब क्या है सर? मतलब मार्केट टैक्स है, मार्केट टैक्स है, मार्क एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट है, जैसे ACR2 के नियम है ना, बस सॉफ्टवेयर में नियम है। हमको लगा कि सब्जेक्ट कोड है सर, सब्जेक्ट कोड भी कोड है इसमें, बिब्लियोग्राफिकल फील्ड के कोड है, बिब्लियोग्राफिकल फील्ड के कोड है। जी पूछिए। एक कोड याद रखना जरूरी है सर क्या? अब कोड याद रखना जरूरी, दूसरे को पूछने दिया जाए। हाँ आ जाए दूसरे को। जब कैटलॉगिंग किया है तो एडिट एंट्री जब बनाए हैं तो उसका जो टाइटल, जैसे बाय एडिटर बनाए एडिट एंट्री, तो सब ऑटोमेटिक बन गया, लिखेंगे वो सब ऑटोमेटिक, सब सर वो सर कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में? वो नहीं, उसका जो एडिट एंट्री बने स्मॉल ही में लिखेंगे, स्मॉल ही में, मगर कार्ड में भी आप स्मॉल में लिखते हैं, मगर बहुत सारे में डीडीसी नंबर कहां, डीडीसी बुक में डीडीसी नंबर कहां पर रहता है सर? डीडीसी नंबर बुक में क्या मतलब, डीडीसी में कहीं पर भी पेंसिल से लिख देंगे किसी कोने में। नहीं जैसे अभी आप जो वहां पे लिखे डीडीसी नंबर, तो वो बुक में लिखा हुआ रहता है या फिर मैनुअली डालना पड़ता है? पहले शुरू में आपको बताया ना, जब स्टार्ट किया हमने कैटलॉगिंग, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट असाइन करना है, उसके बाद डीडीसी नंबर असाइन करना है, बुक नंबर, तब कैटलॉगिंग करना है। डेविड डिसमल क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई करेंगे तब ना किताबें अरेंज होगी, किताबें जो स्टैक पर अरेंज होगी उसी नंबर से नहीं अरेंज होगी, तो डीडीसी नंबर असाइन करेंगे। BLIS में भी सिलेबस में है, असल तो बेस आपका वही है, ACR2 और DDC ये बेस है आपका, तो इसको तो आपको तो नंबर करते करते याद हो जाता है DDC पूरा, ये कोई बहुत बड़ी चीज है जिस तरह से आपका मार्क याद हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। क्या चीज के बारे में? बारकोड यहाँ पर जो बारकोड के पास हमने एक्सेशन नंबर दिया, इसलिए बारकोड लिखा हुआ है,
वहां पर एक्सेशन नंबर नहीं लिखा हुआ, बारकोड लिखा हुआ है। बारकोड इसलिए लिखा रहता है कि बारकोड जो इससे जनरेट होता है किसी से भी, किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो एक्सेशन नंबर से होता है। एक्सेशन नंबर से इसलिए होता है कि वो एक यूनिक नंबर है। एक्सेशन नंबर, क्लास नंबर आपका यूनिक नंबर नहीं है, क्लास नंबर आपका यूनिक नंबर नहीं है। क्लास नंबर एक किताबों, एक किताब, कई किताबों का एक हो सकता है, मगर एक किताब का एक्सेशन नंबर एक ही होगा, यूनिक होगा, इसीलिए उससे भी बारकोड। तो वहां कस्टमाइज करके एक्सेशन नंबर लिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जी दोनों सेम चीज है, बारकोड और एक्सेशन नंबर दोनों एक ही सेम चीज हो गया ना। एक ही समझ लीजिए, बारकोड जो जनरेट होता है, आपने देखा होगा बारकोड मॉल में या किसी जगह पर जाते हैं तो वो लाइनिंग ब्लैक कलर का रहता है, क्योंकि इशू रिटर्न में बारकोड रीडर होते हैं। अब उससे भी एडवांस RFID आ गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग आ गया है, बारकोड बहुत पुरानी चीजें हो गई। जी सर, अगर हमने एक्सेशन नंबर से ही, मतलब हमने अगर क्लासिफिकेशन नहीं किया अभी, बस एक्सेशन नंबर से अगर हम अपने मतलब लाइब्रेरी में सब कुछ रन कर रहे हैं, तो सर क्या ये पॉसिबल है? हाँ बहुत पॉसिबल है, बहुत अच्छी तरह से रन होता है। और इस कैटलॉग आपका होना चाहिए, कैटलॉग में आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर से आपको आसानी से किताबें मिल जाएंगी, मगर क्लोज एक्सेस सिस्टम के लिए। ओपन एक्सेस सिस्टम अगर है, रीडर की पहुंच है, तो रीडर तो एक जगह एक प्रकार की किताबें देखना चाहेगा, फिक्शन एक जगह, फिजिक्स एक जगह। तो जब क्लोज एक्सेस सिस्टम है और आपका कैटलॉग अच्छा है, कैटलॉग है, तो फिर आप एक्सेशन नंबर से किताबें अरेंज कर सकते हैं। वहाँ क्लोज एक्सेस सिस्टम में कोई नीड नहीं होती। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि मेरे एक बहुत करीबी हैं इसमें, आपको मेरे हम नाम ही अफरोज आलम हैं, मानू में, यानी कि मौलाना आजाद में, उन्हीं के दोस्त हैं वो इखलाक अहमद, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी में। उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे बताया ये कि ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी जो है वो एक्सेशन नंबर से आ रही है, कुछ किताबों को छोड़कर। अच्छा। कुछ किताबों का आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उनके अकॉर्डिंग टू मतलब कि इंफॉर्मेशन, क्योंकि सर अभी तक हमारी लाइब्रेरी में हम एक्सेशन नंबर से ही काम चला रहे हैं, अभी उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है। वो सिर्फ क्लोज, ओपन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ओपन एक्सेस सिस्टम में एक जगह किताबें रीडर को, मगर कैटलॉग अगर है तो कैटलॉग देख करके वो रीडर जो ओपन एक्सेस भी है तो वो निकाल सकता है एक्सेशन नंबर में। एक्सेशन नंबर में हमारी भी लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी, एक्सेशन नंबर से आ रही है, बहुत आसानी से किताबें निकलती हैं, बहुत आसानी से रखाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सर, कल जैसे हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे कि डोनेटेड बुक्स और जो कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स आती है सर लाइब्रेरी में, उसकी एंट्री हम एक्सेशन रजिस्टर पे कैसे करेंगे? उसी तरह से जो जैसे, इसमें कोई ये नहीं है, अलग अलग नहीं करते, या फिर एक्सचेंज में आए, चाहे वो डोनेशन में, गिफ्ट में आए, सब एक ही लाइन से करते हुए चले जाते हैं। रिमार्क्स में लिख देते हैं, सोर्स में लिख देते हैं कि इन्होंने दिया, उनका नाम लिख देते हैं, और रिमार्क्स में गिफ्ट लिख देते हैं, रिमार्क्स में एक्सचेंज लिख देते हैं। जी और क्वेश्चन करें, 6 मिनट बचा हुआ है। सर थोड़ा सा जैम के बारे में बताने, जो कल आप जिक्र करते कि जैम वो कुछ होता है। अच्छा वो चीज है जैम पोर्टल। जेम पोर्टल, देखिए सर जेम पोर्टल पे सर बुक्स सर अवेलेबल बिल्कुल नहीं हो पाती है सर। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग कुछ भी नहीं मिल पाती, हम तो अपने यहाँ सर बहुत बार प्रयास सर, हम लोग प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे? प्रैक्टिकल आपको सुजीत सर ने आपको भेजा है डेमो वर्जन, वो लिंक ई मार्केटिंग। देखिए हम लोगों तो ने बहुत सारे जो है खरीदा है इससे, सारे सामान करीब करीब 50 लाख रुपए के सामान जेम ही से खरीदे हैं अभी हाल में, जितने भी आईटी के सामान हैं। तो ये देखिए ये जेम पोर्टल है, जिस तरह से अमेजोन फ्लिपकार्ट है उसी तरह से जेम पोर्टल। तो अभी आईडी मेरे पास है नहीं, याद नहीं है तो, हाँ वो एसी खरीदना, फ्रीज खरीदना, जो खरीदना है खरीदिए। हाँ ये सब तो है, ये सब तो है। हाँ तो जेम पोर्टल बनाया है करप्शन को रोकने के लिए, आपको पता ही नहीं होता कि वो चीजें कहाँ गई, किस वेंडर के पास गया। ये करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसमें आप कमीशन नहीं ले सकते किसी से भी, तो ये बहुत अच्छा काम है। इसको अभी ओपन नहीं हो रहा है, ओपन करके देखिए।
ये है, ये जेम पर दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर जेम पोर्टल से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं? हाँ, ये सब अभी आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत आगे बढ़ना है, जब एडमिनिस्ट्रेशन में आइएगा तो ये सब की जरूरत पड़ेगी। जी वो मैंने बता दिया। सर लॉजिकल नेम के बारे में एक बार डिस्कस कर दीजिए। क्या चीज के बारे में? ज्योग्राफिकल नेम जो आप बता रहे थे। ज्योग्राफिकल नेम सब्जेक्ट, वैसे विषय, वैसा सब्जेक्ट जो किसी जगह के नाम से शुरू होता है, जो किसी जगह के नाम से शुरू होता है उसे हम ज्योग्राफिकल नेम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बिहार की हिस्ट्री है, तो बिहार की हिस्ट्री आप कैसे लिखेंगे? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में दिया हुआ है इस तरह से, देखिए ये इंडिया की हिस्ट्री बना दिया, अब ये बिहार की हिस्ट्री बनाते हैं, बिहार स्पेस छोटी ब्रैकेट इंडिया, इंडिया देश का नाम जरूर लिखते हैं इसलिए कि मुझे मालूम है कि बिहार कहाँ है, दूसरे को नहीं मालूम। तो डैश स्पेस हिस्ट्री इस तरह से। तो ये किससे शुरू हुआ? ये स्टेट के नाम से, सिटी के नाम से भी शुरू हो सकता है, तो इसे ही ज्योग्राफिकल नेम सब्जेक्ट कहते हैं। जगह का नाम, तो वो 651 में जाएगा। जैसे इंडिया की पॉलिटिक्स है तो इंडिया डैश पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये इस तरह से, तो ये भी 651 में जाएगा, आपको इसमें जाएगा। इस सर कैसे जानेंगे किस नंबर में जाएगा? बताया ना ये चीज, ये सब प्रैक्टिस की चीज है, मतलब एक दो दिन की चीज नहीं है ये, तो आप लोग हम लोगों को प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाइए ना। प्रैक्टिस आपको जो आपके व्हाट्सएप पर भेजा गया है लिंक, सुजीत सर ने आपको भेज दिया है ऑनलाइन का, बाय वाटर पासवर्ड और यूजर आईडी है, तो उसके जरिए से आप प्रैक्टिस करें, उसके जरिए से प्रैक्टिस करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है आपको। सर गोवा में क्या लाइब्रेरी विजिटर के लिए भी कोई ऑप्शन होता है? विजिटर मीन्स विजिट करने आके, सिर्फ विजिट, इशू रिटर्न पैट्रॉन बनाना सब बताया जाएगा, मगर सिर्फ देखने के लिए जो आते हैं उसके लिए नहीं है। जैसे आपको मेंबर बनना है तो मेंबर बनने का बताया जाएगा, इशू करना है, रिटर्न करना है, रिन्यू करना है, रिजर्व करना, सारी चीजें बताई जाएंगी। अब एक एक करके होगा ना मॉड्यूल, अभी तो 4 रोज हुआ ही है, 6 रोज अभी आपका बाकी। सर इसमें प्रीवियस बिल भी हम ऐड कर सकते हैं, प्रीवियस जो हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास 5 साल की पहले की किताबें रखी हैं तो उसका बिल हम ऐड कर सकते हैं उसमें? हाँ प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, मगर प्रीवियस क्यों करेंगे? प्रीवियस करेंगे तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको खरीद करके कोई प्रिंसिपल जो हेड दे देता है तो आपको एक्विजिशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कैटलॉगिंग कीजिए। दो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन और पैट्रॉन, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मार्क टैग है सर, ये जो नंबर से सर, ये डाउनलोड मतलब कहीं मिल जाएगा सारे नंबर कौन किस पे क्या है? अच्छा अच्छा हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सर ये एक्विजिशन जो है सर, कल जो आपने बताया था, तो मैनुअली यहाँ जैसे आपने बताया था कि ये मैनुअली ही हम मतलब सिस्टम में करेंगे, लेकिन एक एक करके हमको बुक की जो है एंट्री करनी होगी, तो जितनी किताबें हैं मान लीजिए तो उसका यदि एक्विजिशन डालना है तो मतलब ये बहुत ही श्रम साध्य काम है, मतलब इसको रोज बैठना है करना है, मतलब एक बार में बल्क में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं वो इम्पोर्ट करने का प्रोविजन है कि नहीं वो सुजीत सर बताएंगे, मुझे ध्यान नहीं अभी फिलहाल, सुजीत सर से पूछ लेंगे है कि नहीं प्रोविजन। रीडर्स पैट्रॉन को तो है, पैट्रॉन करने का है, मतलब बल्क में अगर एक्सेल में फाइल है तो वो सारा बल्क में इम्पोर्ट हो जाता है। अब टाइम खत्म हो रहा है तो एक बैच खत्म हो जाएगा, ये चीजें बैक डेट में, ऐसा बैक डेट में हम कैटलॉग नहीं कर सकते इसमें? बैक डेट में क्यों करेंगे, मतलब बैक डेट